व्यवस्था हो गई है कि अपने अधिकार को मांगने के लिए भी वहाँ उन पर लठ बरसाए जाते हैं, दंड बरसाए जाते हैं। परसों का आंखों देखा केस था कि ये जो लोग अपनी मांग को लेकर वहाँ जगह बैठ के विकास खंड नंबर 2 पर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस ने इनके साथ में इतना गंदा रवैया अपनाया। दिल्ली एक ऐसा प्रदेश बन गया है कि यहाँ पे एक तानाशाही का राज चल रहा है। उगल की फरमान दिए जाते हैं, पुलिस प्रशासन को आगे करके झूठे केस बना दिए जाते हैं, लोगों पर लाठियाँ बरसाई जाती हैं, महिलाओं पर लाठियाँ बरसाई जाती हैं और पुलिस के ऊपर किसी की लगाम नहीं है। देश के माननीय गृह मंत्री जी राजनाथ जी को टाइम नहीं है दिल्ली पुलिस को देखने के लिए, और उसके अलावा दिल्ली पुलिस किसी की मानने वाली नहीं है और मोदी जी की पुलिस है जी ये सबसे पहले गरीब और लाचार आदमी के ऊपर लाठी उठाती है। बदमाश गुंडे और जो इनकाउंटर करने वाले चोर डकैत इनको पकड़ने का काम नहीं कर रही है। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री के घर के पास पुलिस की कॉलोनी में बहुत बड़ी डकैती हुई, चोरी हुई, पर कोई कान पर जू नहीं रहेंगी। आए दिन दिल्ली के अंदर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ अत्याचार बढ़ रहे हैं, आए दिन लूटमार बढ़ रही है, वो काम दिल्ली पुलिस नहीं कर रही है। दिल्ली पुलिस सिवाय गुंडागर्दी के अलावा कोई काम नहीं कर रही है। सुरेंद्र कमांडो साहब, आप नेता कब बनेंगे? अभी आपकी जो वेशभूषा है बिल्कुल, आप जब निकलेंगे तो आपको कोई विधायक या कोई नेता नहीं कहेगा और जो आपके जो डिपार्टमेंट के वो सलूट मारते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, मैं देश का सैनिक हूँ, देश का सिपाही हूँ, पहले देश की सरहदों पर लड़ा हूँ, कारगिल युद्ध के अंदर लड़ा, 26/11 के हमले में लड़ा और इंटरनेशनल लेवल पर UN मिशन के अंदर कांगो के अंदर जाके लड़ा। तो मैं एक सिपाही हूँ, अपने सिपाही का जो 14 साल देश की सेवा की है, मैं देश का सिपाही बना रहना चाहता हूँ। और जब मैं ये ड्रेस पहन के निकलता हूँ तो मेरे को मेरा फर्ज याद आता है, मुझे सच्चाई, अपना कर्तव्य और नाम नकम नमक निशान के मंत्र को मैं हमेशा इसको पहनने के बाद याद रखता हूँ। और मैं लाचार दुर्व्यवहार गरीब की लड़ाई लड़ने के लिए मेरे अंदर दुगनी ताकत आ जाती है, इसलिए मैं एक सिपाही बना रहना चाहता हूँ। अभी स्वास्थ्य मंत्री जी ने सिर्फ आश्वासन दिया है, ये आप कब तक इसको लागू करेंगे? ये दिल्ली सरकार की तरफ से आज लेटर बना के फाइनल करके भेज दिया जाएगा और ये LG साहब के पास में दिल्ली सरकार गुहार लगाएगी कि इनकी जो ज़रूरतें हैं इनको पूरा किया जाए। हमें पूरी उम्मीद है कि LG साहब इस बात को ज़रूर मानेंगे। LG साहब के पास मुझे मिलना होगा, मैं भी मिलूँगा, रत्नेश भाई जो टीम का नेतृत्व करें इनको मिलना होगा, ये भी मिलेंगे, माननीय मंत्री भी मिलेंगे। और मैं आपको एक और बताता हूँ कि हम ये पूरी टीम है जो यूनियन है, इस यूनियन के संरक्षक हैं, इन्होंने हमें अपने साथ में रखा है, हम इनके साथ हैं, इनका लास्ट जब तक तनख्वाह नहीं बढ़ेगी हम इनके साथ रहेंगे। हमारे बीच के अंदर रत्नेश गुप्ता जी भी हैं जो हमेशा आम जनता के हित की बात करते हैं और आम जनता के अंदर इनकी एक बहुत अच्छी भूमिका रहती है। रत्नेश गुप्ता जी, आप आम पब्लिक के बीच में रहते हैं और सबसे ज़्यादा संबंध आपका आम पब्लिक से होता है, तो सर आप कैसा महसूस करते हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे को भगवान के दया से एक मौका मिला है कि जो आम पब्लिक इस समय त्राही त्राही कर रही है, मोदी जी के राज में जहाँ जुमले ही जुमले मिलते हैं, पहली बार कोई एक ऐसी सरकार है जिसके पास मैं जनता की आवाज़ लेके पहुँचता हूँ। और हमारे मुख्यमंत्री जी जो कि बहुत ही नेक आदमी हैं, बहुत ही आम आदमी हैं, वो दोनों हाथ से जनता की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सर, माननीय प्रधानमंत्री जी एक तरफ कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियां रोड पे आती हैं, क्या उनको दिखाई नहीं देता है? ये तो जी प्रधानमंत्री जी को देखना पड़ेगा कि पूरे देश में इस समय त्राही त्राही हो रही है। बेटी बचाओ, स्वच्छ भारत है, सारे अभियान तो फेल हैं। आज तक बता दीजिए कौन सा अभियान ऐसा है प्रधानमंत्री जी का जो पास है। नोटबंदी है, GST है, घरों के अंदर आज चूल्हे नहीं जल रहे हैं, लाखों घरों में जो है अंधकार छा गया है। ये क्या है? यही राज्य है क्या? यही एक राजा, हमारे प्रधानमंत्री जी को हम राजा मानते हैं, तो ये राजधर्म है क्या? धन्यवाद।